हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा डुबू भी सो गया अभी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ। मेरा मन था कि आज मैं आप लोगों को जो है वो अपनी थोड़ा सा प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि आपका सी सेक्शन या फिर आपका जो नॉर्मल डिलीवरी होना होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एक्टिव हो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम, कि आपने कितना काम किया है या फिर आपने कितना बेड रेस्ट किया है। अगर आप ज़्यादा बेड रेस्ट करते हो तो एंड में जाके सी सेक्शन ही होता है, और अगर आप एक्टिव हो, आप काम करते रहते हो, तो जाके जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। मुझे ये अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी से एक जो है वो मिथ लगा कि ये सारी बोलने की बातें हैं, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी से लेके एंड तक के डेज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मतलब कि मुझे, क्योंकि पीसीओडी की दिक्कत थी, तो मतलब मेरे पीरियड्स इरेगुलर होते थे, और अचानक से ही मैंने कंसीव किया था। और जिस टाइम पे मैंने चेक किया था, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो तो मैंने, क्योंकि मेरे 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तो मुझे लगा चलो एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। पर मैंने जैसे ही चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो मतलब 2 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था। मैं अपना रेगुलर जो है वो जैसे बसेस में जाती थी अपने ऑफिस में, वैसे जा रही थी। बस भी मुझे पहले घर से पैदल जाना पड़ता था, और मुझे पहले एक बस लेनी है, उसके बाद मैं चेंज करके दूसरी बस लेती थी अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। और सेम रूटीन था आने का भी, भाग भाग के बस पकड़नी, सब कुछ। और फिर भी मैंने जो है वो कंसीव किया हुआ था, और मेरी वही रूटीन थी। और जिस दिन मैंने चेक कर लिया, उस दिन भी मैं वैसे ही ऑफिस गई हूँ चेक करने के बाद, वैसे ही मेरा आना जाना। और मैं मतलब वैसे ही रही हूँ अपना 9 मंथ तक, जब तक कि बीच में जब थोड़ा सा पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लग गया था और उतना भाग नहीं पाती थी तो बस छूट जाती थी, तो हस्बैंड ने छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं आती बस में ही थी, तो मैं बहुत एक्टिव थी। और ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, लिफ्ट भी थी पर मैं यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ या कुछ हूँ। बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी थी मेरी। और बीच में हम लोगों ने घर भी शिफ्ट किया, घर का पूरा सामान मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ही शिफ्ट किया है। और सिर्फ मेरा कज़न आया था, लेकिन उसके बाद घर का जो सामान था वो एक जगह से ले जाके फिर दूसरी जगह उसको दोबारा सेट करना, तो मैंने सारा काम अकेले किया है। और उस टाइम पे मुझे एक बारी दिक्कत ज़रूर आई थी, जब डॉक्टर ने कहा था कि सर्विक्स लेंथ जो आपकी होती है वो शॉर्ट हो रही है, और उसमें क्या होता है कि उसमें डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब कि अगर डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होने का मतलब है कि बच्चे का प्रेशर नीचे को पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। और फिर भी मेरी डॉक्टर इतनी सही थी, उसने बोला कि बेड रेस्ट कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता, आप बेड रेस्ट मत करो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप मतलब कि पैरों की, जैसे पैरों पे बैठते हो वैसे ना बैठो, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो मैंने बेड रेस्ट उस टाइम भी नहीं किया था। और मतलब कि मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, जिसको कहते हैं बसों में आना जाना, वॉक करना, पैदल जाती थी। मैंने जब मेरा पूरा 8th मंथ चल रहा था, तब मैंने ऑफिस से मतलब आना जाना बंद किया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड के केसेस आ गए थे ऑफिस में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं घर पर थी। और लेकिन मैं घर पर जब होती थी तो मेरी डॉक्टर ने उस टाइम बोल दिया था कि अब आप पैरों के ऊपर बैठ के जो है वो पोछा लगा सकते हो, काम कर सकते हो, उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने वो भी किया है, वो भी करना शुरू किया है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी डॉक्टर ने जान के किया या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्योंकि एंड में क्या होता है कि आपको होता है कि आपका बच्चा सेफ हो, सेफली डिलीवरी हो जाए, सब कुछ, तो जैसा डॉक्टर बोलते हैं आप लोग वैसा करते रहते हो। हालांकि जहां पे मेरा पूरा प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चला, वो ट्रीटमेंट हमारा चंडीगढ़ में चला था जहां हम रह रहे थे, और मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। मतलब कि बीच में जब एक बार मेरे को ब्लीडिंग शुरू हुई थी, तब उसने मुझे एडमिट किया था, क्योंकि बच्चे के जो हैं वो लंग्स मैच्योर हो जाएं उसके लिए इंजेक्शन देना होता है, तो उसने मुझे 2 दिन के लिए एडमिट किया था। पर उसने मुझे उस टाइम पे भी इतना काम रखा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से चलो फिरो अपना। मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसने मुझे कभी, हमने कहा था कि हम यहाँ पे कोई नहीं है हमारे साथ, तो फैमिली को बुलाना है तो उनको बुला देते, उसने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है किसी फैमिली को बुलाने की, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। वो हमेशा से बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन डिलीवरी हम लोग चंडीगढ़ में नहीं करा सकते थे, क्योंकि हमारी फैमिली हिमाचल में थी, और फैमिली वहाँ पे आती अगर तो उनको वहाँ पे आने जाने में, मतलब कि हॉस्पिटल से आना जाना सब कुछ बसों में करना पड़ता, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको यूज़ करना पड़ता। तो उससे जो है वो कोविड उस टाइम एक तो ज़्यादा चल रहा था, तो कोविड की सिचुएशन में हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक में हमारा इतना आना जाना हो, हमारा या फैमिली का, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेफ नहीं रहता उस टाइम पे।
तो यस, हम लोगों ने अपने डॉक्टर को पूछा कि हम डिलीवरी के लिए हिमाचल जाएंगे मतलब, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है मतलब। वो डॉक्टर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी मतलब, मैं अभी तक भी उनको याद करती हूँ कि जैसे होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कि वो डरा देते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यहीं पर कराओ पैसों के चक्कर में। उसने मुझे एक बार ही नहीं बोला ऐसा कि नहीं, उसने कहा कि हाँ सही बात है, आपका सब कुछ नॉर्मल है, आप आराम से ट्रैवल करके जाओ, और डिलीवरी अगर वहाँ कराना चाहते हो कि टेक केयर करने के लिए फैमिली वहाँ है तो वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फाइल आपकी बनी हुई है, आपने जाके बस डॉक्टर को फाइल दिखानी है, उसको रीड आउट कर लेगी और आप मतलब सब कुछ ठीक ठीक है, वो आराम से डिलीवरी हो जाएगी। और कोई ऐसी आपकी डिलीवरी बिल्कुल सेफ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथ रहा है अभी तक, तो सब कुछ ठीक है, आप ट्रैवल करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तो जब मैं हम लोग हिमाचल पहुँचे अपने डिलीवरी के टाइम पे, और मुझे याद है कि 13 जून को हम लोग घर गए थे और 15 जून को मेरा बेबी हो गया था। तो 13 जून को जिस टाइम हम ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, मुझे उस टाइम पे पेन हो रही थी थोड़ी थोड़ी, मतलब कि ऐसा होता था कि बीच में मुझे ऐसा फील होता कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट आया है, मतलब मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। बट जब वॉशरूम जाती थी तो मतलब इतना कोई वॉशरूम वाला प्रेशर नहीं होता था, बट वो वैसे ही फील हो रहा था, और थोड़ी सी दर्द भी फील होती थी। तो हम लोग बहुत स्लोली स्लोली गए हैं, बीच बीच में रुके भी हैं, जब रुकते थे तो ठीक हो जाता था, लेकिन गाड़ी चल रही है काफ़ी देर बैठे हुए हो जाए तो शायद प्रेशर पड़ता था कि क्या था, तो वो मतलब कि तो फिर इस तरह से हम लोग जैसे तैसे घर पहुंचे। अब मुझे पेन थी, मैं रात को तो मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बार बार उठती ही रहती थी, मुझे लगता था कि वॉशरूम आ रहा है वॉशरूम, उसके चक्कर में बार बार उठती ही रहती थी। और तो हुआ ये कि हस्बैंड ने कहा कि हम मंडे ही जाके, और वैसे भी हम लोगों ने चेक भी करवाना ही था एक बार वहाँ जाके, ताकि डॉक्टर से भी मिल लेते और ताकि जब भी हमें इमरजेंसी पड़ती हम डायरेक्टली चले जाते। तो हम गए थे मतलब संडे 13 जून को हम पहुंचे थे, 14 को हम डॉक्टर के पास चले गए मंडे को चेक करवाने के लिए। अब जहाँ पे हम चेक करवाने के लिए गए, डॉक्टर ने चेक किया और सब कुछ देखा, और डॉक्टर जैसे भी वो चेक करते हैं मतलब इंटरनली और सब कुछ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ना आपको लेबर पेन हो रही है, मतलब आपको लेबर पेन में हो आप, और अभी कम है, आपको शायद फील नहीं हो रहा है, क्योंकि होता ना फर्स्ट टाइम पे इतना पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं है, और इतना ज़्यादा वीडियोस देख ली थी, इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि लगता था कि जब होगा होगा बच्चा तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मतलब दर्दें शुरू होती हैं, तो इतनी दर्दें तो मुझे थी नहीं बहुत ज़ोर वाली। तो उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाओ क्योंकि आपको कभी भी जो है वो दर्दें शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा वाली, मतलब डिलीवरी वाली पेन आपको शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं मुझे अभी इतनी ज़्यादा दर्द कुछ फील नहीं हो रही, तो मैंने कहा मेरा घर यहीं है तो जब आना होगा दर्द ऐसी कुछ ज़्यादा शुरू हुई तो मैं तब आ जाऊँगी, अभी मैं एडमिट नहीं होना चाहती। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने भेज दिया, पर उन्होंने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, तो घर के लिए लगता था वहाँ से आधा घंटा, वो कहते फिर भी तुम मतलब आधा घंटा लगता है फिर भी तुम रिस्क ले रही हो या फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है कि हाँ कोई बात नहीं तब आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं अभी एडमिट नहीं होना, अगर बहुत ज़्यादा पेन मुझे फील हुई तो मैं आ जाऊँगी, और उसके बाद तो मैं चली गई। और उस दिन रात को भी यही हुआ कि मैं पूरी रात नहीं सोई, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा नहीं था कि दर्द ऐसी थी कि मैं झेल नहीं पा रही हूँ, पर ऐसा था कि मतलब मैं सो भी नहीं पा रही थी, मतलब मैं करवटें बदल रही थी, हल्की हल्की बीच में कभी दर्द थी भी। तो सब ने घर वालों ने सजेशन किया कि क्योंकि सब सबको था कि बहुत सालों बाद बेबी हो रहा है तो क्यों कोई रिस्क लेना है, तो रिस्क नहीं लेना कि चलो वहाँ जाके एडमिट हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहाँ रह लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ट्यूसडे को हम लोग दोपहर बाद जो है वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं तो कल ही कह रहा था कि आप एडमिट हो जाओ, तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे दर्दें आज भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मुझे बोलो कि मेरा अभी बेबी हो जाएगा 3 या 4 घंटे बाद। तो वो कहते हैं कि आपकी जो सर्विक्स लेंथ है ना उसके हिसाब से आपका जल्दी हो जाएगा, मतलब उतना है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उन्होंने मुझे एडमिट किया, बट कोविड की सिचुएशन थी और एडमिट किया, मुझे वहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगा वहाँ जाके, और मतलब जो लेबर रूम था वहाँ जाके किसी की डिलीवरी चल रही थी, तो पहले तो मैं बहुत हिम्मत में थी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो जाएगा, जैसे मैंने उसको चिल्लाते हुए देखा लिटरली मेरी तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, वो बहुत रो रही थी लेडी। चलो मैंने अपनी फाइल सबमिट की वहाँ पे, और जहाँ पे उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला उस रूम की हालत बहुत गंदी थी क्योंकि वहाँ पे बहुत लेडीज थी जो वेट कर रही थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि क्योंकि वो मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से बुरे होते हैं यार, मतलब डॉक्टर्स तो वहाँ के भी अच्छे ही होते हैं, वहाँ चले जाएंगे मतलब हम लोग डिलीवरी वहाँ करा लेंगे, इलाज तो तब से प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास ही चल रहा था, डिलीवरी ही करानी है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ करा लेंगे। बट जब मैंने वहाँ की हालत देखी तो मैं लिटरली मैं मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ तो मैं वेट भी नहीं कर सकती यहाँ पे, और
मैंने कहा कि मेरी फाइल मुझे दे दो। तो डॉक्टर ना जो नर्स थी वहाँ पे अंदर जो डिलीवरी रूम में डिलीवरियाँ करा रही थी वो मुझे कहती कि ऐसे कैसे फाइल दे दो, फाइल तो हमारी है। मैंने कहा फिर मुझे तुम लोग ऐसा करो कि अगर तुम्हारी है फिर फैसिलिटी देखो आप अपने हॉस्पिटल की एक बारी, जहाँ पे आपने लेबर लेबर रूम के साथ जो वेटिंग रूम था जहाँ पे सारी प्रेग्नेंट लेडीज थी जिनका नंबर आने वाला था डिलीवरी के लिए, मैंने कहा आप वहाँ जाके देखो, आप बैठ सकते हो वहाँ पे जाकर। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती, आई एम सो सॉरी, तो आप मुझे मेरी फाइल दे दो। करती कि ये हमारी फाइल है, हम आपको क्यों दे दें। मैं कहा उसमें मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं तो आपको देनी पड़ेगी, कि आपका सिर्फ कवर होने से आपकी फाइल नहीं बन जाती, उसमें सारी मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझे मेरी फाइल वापस करो, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आप फैसिलिटी देते हो उस तरह की तो मैं यहाँ पे करा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका ऐसा हुआ कि करती रिटर्न फॉर्म में दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं रिटर्न फॉर्म में दे देती हूँ। तो मैंने रिटर्न फॉर्म में उसमें सब कुछ लिख दिया। मैंने कहा एक तो कोविड की सिचुएशन चल रही है, आई एम नॉट फीलिंग सेफ हेयर, और मतलब कि अपने बच्चे को लेके मेरा कंसर्न है कि मेरे साथ साथ तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इतना गंदा प्लेस आप लोगों ने बना रखा है यहाँ पे। मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग सेफ, तो अगर यहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा होता, सेफ होता, तो बेशक मैं यहाँ पे करा लेती। मैंने जैसे तैसे उससे अपनी फाइल फूल ली, सब कुछ लिख के दिया जैसे भी, और उसके बाद हम वहाँ पे ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे गए। और कोई 2:30 or 3 बजे का टाइम था जब मुझे उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया, तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसने भी यही कहा कि आप लेबर पेन में हो, बट मुझे उतनी ज़्यादा पेन नहीं थी। उसके बाद एडमिट कर लिया, शाम हो गई, उसने पूरी फाइल चेक कर ली, जो भी बच्चे को वो जो लंग्स कहते हैं ना, लंग्स में मैच्योर करने के इंजेक्शन होते हैं, जब मैं एडमिट हुई थी वो वाली फाइल उसने सब कुछ चेक किया। वेट बच्चे का काफ़ी अच्छा आ रहा था उस टाइम पे भी, मतलब 3.25 किलो तो उसको स्कैन में आ रहा था वो, और कहती कि वेट अच्छा है। तो वो मुझे काफ़ी प्रिपेयर कर रही थी कि डिलीवरी मतलब जब होती है तो यू नो दर्द होती है, जो हम कहेंगे उस टाइम पे पुश करना, या जैसे काफ़ी मुझे प्रिपेयर कर रही थी वो कि इस तरह से करना, इस तरह से करना। तो फिर मैं वही अपना वेटिंग रूम, पता नहीं इंजेक्शन भी उन्होंने दिया, बट टू बी और मतलब वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतनी ज़्यादा दर्द शुरू ही नहीं हुई कि मैं मतलब कि लेबर पेन में हूँ ऐसा, क्योंकि जितना लोग कहते हैं, मैंने तो वो चीज़ चलो फील ही नहीं करी, पर जितना मैंने सुना है कि एक्सट्रीम दर्द होता है, पर मैं उस एक्सट्रीम दर्द तक नहीं आई। और उसके बाद ECG क्या होती है बच्चों की, वो करी, तो वो कहती कि ना ECG ठीक नहीं आ रही बच्चे की, तो आप कुछ खाओ पियो। मुझे लगा शायद सुबह से मैंने कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था, क्योंकि हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, मे भी उस वजह से। तो कुछ चिप्स विप्स लेकर आए कुछ खाने को, मतलब वैसे खाया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ECG किया, वो भी ठीक नहीं आया। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बोला कि हम ऑपरेशन ही करेंगे। और तो उस हस्बैंड अभी किसी के घर, मतलब जैसे साथ वाला किसी रिलेटिव का घर था, वहाँ गए हुए थे कुछ खाने वाने को लाने के लिए बाकी लोगों के लिए जो मेरे साथ थे। तो उनको कॉल कर दिया कि आप आओ, क्योंकि साइन वाइन होने रहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में। और आए और उसके मुझे वो ले वहाँ ले गए, OT में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ पे बस उन्होंने C-section कर दिया। मतलब मुझे पता भी नहीं कि क्यों किया क्यों नहीं किया, मतलब हालांकि बस उनका रीज़न यही था कि ECG ठीक नहीं आ रही, अगर अभी नहीं किया तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो ये कोई भी नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहती थी। तो यही था कि चलो ठीक है कर दीजिए, आप ऑपरेशन ही कर दीजिए। और C-section हुआ और बेबी आया, और बेबी था मेरा 4 kg 255 gram का। तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं था नॉर्मल डिलीवरी करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है सब ठीक है, अच्छा है। अगर तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, फिर भी मेरा C-section हुआ है। मेरे साथ मेरे मतलब कि जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ पे सेम मेरी फ्रेंड थी जो कि प्रेग्नेंट थी। और मेरी फ्रेंड जो है वो मतलब वो गाड़ी में आती जाती थी, अपनी गाड़ी में आती जाती थी, और उनके घर में खाना बनाने वाली, बर्तन साफ़ करने वाली सब है। उसने पूरे 9 महीने में कोई काम नहीं किया है, मतलब इतना वो बॉदर नहीं करती थी, जितना मैं सीढ़ियाँ उतरती थी चढ़ती थी उतना वो नहीं करती, वो हमेशा लिफ्ट यूज़ करती थी। और मतलब वो ऐसी कूल वाली थी, उसको था कि नॉर्मल होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, मतलब ऐसा कुछ उसको था नहीं ज़्यादा कि कोई प्रॉब्लम वाली, तो वो बहुत चिल थी उस मामले में। और मतलब उसने शायद ये सोचा था कि मैं एपिड्यूरल करा लूँगी, ज़्यादा दर्द होगी, तो उसके माइंड में ये भी था। और थोड़ा सा फाइनेंशियली वो शायद ज़्यादा अच्छी थी, तो इतना वो उसको प्रवाह मतलब वो नहीं करती थी। और इसके अलावा मतलब काम मुझे नहीं लगता कि उसने पूरे 9 महीने में कुछ भी किया है, अपने घर पे भी या फिर ऑफिस में भी हम उसका हिसाब लगा लेते थे, वो नहीं करती थी। और वो खुद भी कहती थी कि काम करना ना करना ये चॉइस होती है, तो मेरी चॉइस है मुझे नहीं करना है। तो उसने पूरे 9 महीने बिल्कुल रेस्ट किया है, और एंड में जाके उसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, और हार्डली उसको 3 or 4 घंटे लगे हैं अपनी डिलीवरी में। उसने मुझे कहा कि अंकिता मैं सुबह उठी थी जब उसका जो वाटर ब्रेक होता है वो हुआ था, और उसके जब वो हॉस्पिटल गई है दोपहर को, मतलब 10-11 बजे वो हॉस्पिटल गई है दोपहर को, 2:30 बजे उसका बेबी हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग काम करो जितना हो सकता है काम करो जितना, तभी नॉर्मल डिलीवरियाँ होती हैं,
मैं नहीं मानती ये कि इसलिए नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं और जो काम नहीं करते, जो बेड रेस्ट करते हैं, उनका सी सेक्शन होता है। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है। हर पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, तो वो उनके ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल मिथ है। आप लोग अपनी प्रेगनेंसी में बस खुश रहो, अपना अच्छे से ध्यान रखो, हेल्दी खाओ पियो। मैं ये मानती हूँ, मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी आप अपने डॉक्टर की एडवाइस मानो, डॉक्टर कोई गलत एडवाइस कभी नहीं करते, तो उनकी एडवाइस मानो। बट ये मेरी स्टोरी थी कि ऐसा होता है। मतलब मैं अपनी एक नहीं दो तीन फ्रेंड्स को जानती हूँ जो लोग ऐसे ही हैं कि वो लोग नहीं इतना बॉदर करते, नहीं काम कुम को लेके, या फिर मतलब झाड़ू पोछा तो उन्होंने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि बैठ के लगाने वाला, क्योंकि उनके घरों में दे आर मतलब वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, उन्होंने उनके घर में सब कुछ है, ऐसा हाउस हेल्प है, सब कुछ है। एक फ्रेंड ने तो पूरा बेड रेस्ट ही किया है, फिर भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है आपसे कि आपको सिर्फ खुश रहना है, अपनी डिलीवरी का टाइम सोच सोच के ऐसा तंग नहीं होना कि पता नहीं डिलीवरी नॉर्मल होगी सी सेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल सी सेक्शन भी ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत तकलीफ में रहते हो उसके बाद। सी सेक्शन के बाद भी अपनी प्रॉपर केयर, प्रॉपर डाइट लेते हो, 15-20 दिन आप नॉर्मली अपना चलना फिरना नॉर्मल कर सकते हो। चलना फिरना तो मेरी डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन ही चला दिया था। मतलब रात को ऑपरेशन हुआ था, बेबी हुआ था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसने मुझे वॉक करने के लिए बोल दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो बस उस चीज़ को सोच के स्ट्रेसफुल नहीं होना है कि क्या होगा क्या होगा, जो होगा सब अच्छा ही होता है। उस टाइम की सिचुएशन कैसी बनती है आपको नहीं पता होता, तो इतना प्रिपेयर नहीं होना है जैसे मैं थी कि मैं तो इतना एक्टिव हूँ, मेरी तो नॉर्मल ही होगी। इतना प्रिपेयर नहीं होना है क्योंकि उस टाइम पर कुछ नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। तो सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद ज़रूर आई होगी, किसी को हेल्पफुल भी लग सकती है जो कनेक्ट करेंगे मेरी इन बातों से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।